वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर के इंट्रोडक्शन चैप्टर में। इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट डोसेज फॉर्म नाम का जो है ये चैप्टर है। इस चैप्टर में हम डिफरेंट डोसेज फॉर्म जो है वो पढ़ेंगे, कौन कौन से डोसेज फॉर्म रहते हैं उसके बारे में सारा डिस्कशन होगा। तो सबसे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते। तो देखिए दोस्तों, तो इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट डोसेज फॉर्म नाम का जो है यह हमारा चैप्टर है। अ ड्रग मे बी डिफाइन एज अ एजेंट। देखिए, अ ड्रग मे बी डिफाइन एज अ एजेंट, ड्रग को क्या कहा गया है यहाँ पर, एजेंट कहा गया है। इंटेंडेड फॉर द यूज इन द डायग्नोसिस माइटिगेशन ट्रीटमेंट क्यूर और प्रिवेंशन ऑफ डिसीज इन द मैन और इन अदर एनिमल। देखिए, मैन और अदर एनिमल जो रहते हैं उनमें ड्रग, जो ड्रग की डेफिनेशन दी गई है बेसिक सी, जैसे कि ड्रग किसे कहा जाता है, ड्रग इसे कहा जाता है, ड्रग एक एजेंट है, क्या है, एक एजेंट है जो कि यूज किया जाता है किसके लिए, डायग्नोसिस। डायग्नोसिस मतलब उसे रिकॉग्नाइज करने के लिए जो भी आपके बॉडी में क्या रहती है, प्रॉब्लम रहती है, उसे डायग्नोस करने के लिए, माइटिगेशन करने के लिए। माइटिगेशन मतलब उसका प्रॉपर जो है डायग्नोसिस करने के बाद कौन सा क्यूर इस पे देना चाहिए वो डिस्कशन करने के लिए, उसके बाद ट्रीटमेंट क्यूर और द प्रिवेंशन ऑफ डिसीज इन मैन एंड अदर एनिमल। अदर एनिमल में उस डिसीज को डायग्नोस करके, उसका ट्रीटमेंट करके, उस एनिमल को या फिर पर्सन को जो है डिसीज से, डिसीज फ्री कर देने का काम कौन करता है, ड्रग करता है। इसीलिए ड्रग में भी डिफाइन एज द एजेंट इंटेंडेड फॉर द यूज इन द डायग्नोसिस माइटिगेशन ट्रीटमेंट क्यूर और द प्रिवेंशन ऑफ डिसीज इन द मैन एंड अदर एनिमल्स। उसके बाद ड्रग आर रेयरली एडमिनिस्टर इन देयर ओरिजिनल प्योर स्टेट। देखिए, जो ड्रग रहती है वो उनके ओरिजिनली प्योर स्टेट में एडमिनिस्टर नहीं की जा सकती। जैसे पैरासिटामोल हो गया, पैरासिटामोल जो है वो डायरेक्टली एडमिनिस्टर की जाती है, लेकिन कुछ ही ऐसे ड्रग रहते हैं जो डायरेक्टली प्योर स्टेट में एडमिनिस्टर की जाती है, नहीं तो दूसरे जो ड्रग्स रहते हैं उनका कॉम्बिनेशन बनाकर जो है वो एडमिनिस्टर किया जाती है। उसके बाद दे आर एडमिनिस्टर इन द डिफरेंट डोसेज फॉर्म आफ्टर कन्वर्टिंग देम इनटू अ सुटेबल फॉर्मुलेशन। देखिए, यहाँ पर ही बताया गया है कि वो क्या होते हैं, डिफरेंट डोसेज फॉर्म क्या होते हैं, कन्वर्ट किए जाते हैं दूसरे डोसेज फॉर्म में और उसका सुटेबल फॉर्मुलेशन बनाया जाता है। उसके बाद एवरी डोसेज फॉर्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग। हर कोई डोसेज फॉर्म क्या रहता है, कॉम्बिनेशन रहता है किसी ना किसी ड्रग का एंड डिफरेंट काइंड ऑफ नॉन ड्रग कंपोनेंट, और अलग अलग कंपोनेंट जो रहते हैं वो ड्रग के साथ दिए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है एडिटिव्स। एडिटिव्स करके वो ड्रग दिए जाते हैं। द एडिटिव्स आर यूज टू गिव द पर्टिकुलर शेप टू द फॉर्मुलेशन। जो एडिटिव्स हम उस एक्टिव ड्रग में डालते हैं वो क्या करते हैं, वो फंक्शन कौन सा करते हैं, फॉर्मुलेशन, वो क्या करते हैं, पर्टिकुलर शेप जो है उस फॉर्मुलेशन को प्रोवाइड करते हैं टू इंक्रीज इट्स स्टेबिलिटी, उनकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, एंड ऑल्सो टू इंक्रीज इट्स पैलेटेबिलिटी, और उसकी जो भी पैलेटेबिलिटी मतलब अगर आप उस दवाई को लेते हैं तो वो आपके पेट में किस तरीके से जाएंगी वो उसकी पैलेटेबिलिटी इंक्रीज कर देंगी, एज वेल एज इट गिव्स द मोर एलिगेंस टू प्रिपरेशन। ये क्या करता है, मोर एलिगेंस देता है प्रिपरेशन को, ज्यादा ज्यादा एलिगेंस देता है मतलब बढ़ावा देता है उसे अच्छे से प्रिपेयर करके आपके बॉडी में अच्छे से एडमिनिस्टर हो और अच्छे से जो है उसका डायग्नोसिस जो भी वर्किंग है उस दवाई का वो कर सके। उसके बाद इम्पोर्टेंट डोसेज फॉर्म देख लेते हैं, कौन कौन से डोसेज फॉर्म रहते। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग इनटू द डोसेज फॉर्म इज डन फॉर द फॉलोइंग रीजन। देखिए, कुछ ऐसे रीजन है, कुछ ऐसे यहाँ पर रीजन दिए गए हैं जिसके वजह से जो है ड्रग, जो भी ड्रग रहता है उसके डोसेज फॉर्म बनाए जाते हैं, तो वो रीजन जानेंगे। तो पहला रीजन है टू प्रोवाइड सेफ एंड कन्वीनियंट डिलीवरी ऑफ एक्यूरेट डोसेज। देखिए, सेफ एंड कन्वीनियंट डिलीवरी मतलब जो भी ड्रग हम उस पेशेंट को देना चाहते हैं वो कैसे, उनका जो भी ड्रग हम एडमिनिस्टर करना चाहते हैं बॉडी में वो कैसे एडमिनिस्टर होना चाहिए, सेफ, और उस पर्सन को कोई भी दिक्कत का सामना वहां पर नहीं होना चाहिए, इस वजह से जो है वो ड्रग का ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। उसके बाद मेनी डोसेज फॉर्म कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड फ्रॉम देयर डिस्टिंक्ट कलर शेप और आइडेंटिफाइंग मार्किंग।
देखिए अलग अलग डोसेज फॉर्म क्या कर होते हैं, उनके अलग अलग कलर की वजह से या फिर शेप की वजह से या फिर उनकी जो भी मार्किंग रहती है उसकी वजह से वो रिकॉग्नाइज होते हैं इजीली, इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है। उसके बाद टू प्रोटेक्ट द ड्रग सब्सटेंसेस फ्रॉम ऑक्सीडेशन हाइड्रोलिसिस रिडक्शन फॉर एग्जाम्पल कोटेड टेबलेट एंड सिल्क एम्फुल्स। देखिए वो दवाई को उस ड्रग सब्सटेंस को ऑक्सीडेशन हाइड्रोलिसिस या फिर रिडक्शन से प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है, उन्हें उनका ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। जैसे कि कोटेड टेबलेट हो गए या फिर सील्ड एम्फुल हो गए, उनका अगर हाइड्रोलिसिस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है इसीलिए उन्हें कोटिंग की दी जाती है और उन्हें सील किया जाता है। उसके बाद टू प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ गैस्ट्रिक जूस दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑफ स्टमक आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर एग्जाम्पल एंटेरिक कोटेड टेबलेट। देखिए वो ड्रग प्रिवेंट क्या करती है, प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट। डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट जो रहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में पाया जाता है, उसके डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट से प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है, एंटेरिक कोटिंग, उस दवाई को कोटिंग की जाती है ताकि उनका फिर वो कोटिंग करने के बाद क्या होगा, उस दवाई का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। उसके बाद टू कंसील द बिटर साल्टी एबनॉक्सियस टेस्ट और द ऑर्डर ऑफ द ड्रग सब्सटेंसेस। देखिए बिटर जो टेस्ट रहती है जिस दवाई की या फिर सॉल्टी रहती है या फिर एबनॉक्सियस या फिर जो भी उसका ऑर्डर रहता है, उसे दबाने के लिए उसे कम करने के लिए जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग किया जाता है, जैसे कि कैप्सूल कोटेड टेबलेट फ्लेवर सिरप हो गया वैसे। उसके बाद टू प्रोवाइड फॉर द इंसर्शन ऑफ ड्रग इनटू वन बॉडी कैविटी। देखिए बॉडी कैविटी में भी इंसर्ट करने के लिए जो भी ड्रग का कन्वर्जन रहता है वो किया जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग किया जाता है। जैसे अगर रेक्टल या फिर वजाइनल सपोजिटरीज जो रहती है वो बॉडी कैविटी में जो है वो इंसर्ट की जाती है, इसीलिए जो है बॉडी कैविटी में क्या इंसर्ट किया जाता है, सपोजिटरीज नॉट टेबलेट। उसके बाद टू प्रोवाइड फॉर द ऑप्टिमम ड्रग एक्शन, ड्रग एक्शन प्रोवाइड करने के लिए जैसे कि इनहेलेशन के लिए, उसके बाद इनहेलेशन थेरेपी के लिए जो भी ड्रग है वो प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि इनहेलेशनल एरोजोल और इनहेलेंट्स जो है वो यूज किए जाते हैं, इनका ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है फ्रॉम सॉलिड टू द गैसियस मॉइस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टिल एंड। अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे डिफरेंट डोसेज फॉर्म, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग टू द इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट डोसेज फॉर्म ऑफ डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर विथ यूर फ्रेंड।